वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे लाइव प्रूफ हम आपको दिखा दे। इस एप्लीकेशन में हमने लोन अप्लाई किया था और यहाँ पे हमको जो है 50,000 रुपए का इंस्टेंट अप्रूवल मिल गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो इस पैसे को जो है एक्सिस बैंक में जो है हमने ट्रांसफर भी कर लिया है। तो देखो यहाँ पे सोचने वाला ये बात है कि अगर आप कोई इमरजेंसी कंडीशन में फंसे हुए और आपको जो है इंस्टेंट लोन की जरूरत है तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए जो है आप सबको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा। इस वीडियो में हम आप सबको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके दिखाए हैं। ऐसे में हम आप सबको बता दें कि अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो वहां पे जो है काफी सारे लोन एप्लीकेशन पड़े होते जिसमें आप लोन अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि आप किसी भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते हो, आप कंप्लीट प्रोसेस करके जाते हो और लास्ट में जो है आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके लिए जो है आप सबको कुछ ट्रिक का प्रयोग किया जाता है जो कि इस वीडियो में हम आप सबको करके दिखाया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, फटाक से जो है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब देखो एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करोगे आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। यहां पे देख सकते हो इंस्टेंट आपको जो है मनी मिल जाता है। उसके बाद जो है यहां पे कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करके जो है आप अपना लोन लिमिट चेक कर सकते हो। इंस्टेंट आपका फॉर्म जो है अप्रूव हो जाती है, उसके बाद जो है आप सबको लोन यहाँ पे दे दी जाती है। तो फाइनली आगे बढ़ने के लिए जो है नीचे आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको जो है एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे जो है आप सबको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो है आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे जो है आप सबको कुछ चीजों का परमिशन देना है, जैसे कि यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन SMS का, लोकेशन का, कॉन्टेक्ट का। तो फाइनली नीचे जो है आप सबको यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स को टिक कर देना है। टिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप सबके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप सबको अपना पैन कार्ड का डिटेल्स फिल करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करना होगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा और जो आप नंबर फिल किए थे उससे जो है आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया गया है। तो फाइनली यहाँ पे जो है आप सबको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद दो बॉक्स आपको नीचे मिलता है, दोनों बॉक्स को टिक करना है। टिक करने के बाद जो है आप सबको एक्सेप्ट पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। अब देखो आप जैसे ही आगे बढ़ते हो आपको जो है अपना पर्सनल एक ईमेल फिल करना होता है। ईमेल पे जो है आपका OTP भेजा जाता है, OTP डालकर यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे पर्सनल आप अपना ईमेल आईडी देंगे ताकि कोई भी मैसेज आए तो आपको पढ़ने को मिल जाए। फाइनली यहाँ पे OTP डालकर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं मतलब यहाँ पे जो है आप सबको अपना लोकेशन चूज करना होता है कि किस स्टेट में आप पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आप अपना लोकेशन का परमिशन देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाएगा। मतलब यहाँ पे जो है हाईएस्ट जो लोन लिमिट मिलता है इस एप्लीकेशन से वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 लाख तक का जो है लोन आप यहाँ से अप्रूव करा सकते हो अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक होता है तो। तो यहाँ पे जो है आप सबका मैक्सिमम लिमिट मिल जाता है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो है आपको यहाँ पे एक्सेप्ट एंड टर्म कंडीशन का बटन मिलता है, इस पे क्लिक कर एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद जो है आप सबको यहाँ पे अपना KYC कंप्लीट करना होगा। KYC कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो है आप सबको यहाँ पे अपना एक साफ सुथरा सेल्फी अपलोड करना होगा। उसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया जाता है कि आपको जो है सेल्फी कैसे कैप्चर करना है। आपके रूम में जो है लाइट होना चाहिए, उसके बाद जो है आपका फेस कटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका फेस यहाँ पे बिल्कुल क्लियर जो बॉक्स होता है उसके अंदर आना चाहिए। फाइनली यहाँ पे जो है आप अपना सेल्फी अपलोड करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखा जाता है। अब यहाँ पे जो है ऑटो पे डेबिट सेट करना होता है, मतलब यहाँ पे जो है आपको अपना एक अकाउंट सेट करना होता है। जिन पर्सन के नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं का जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले जो है आप सबको अपना बैंक चूज करना होगा, उसके बाद जो है आप सबको अपना अकाउंट नंबर IFSC कोड फिल करना होगा। उनके अकाउंट नंबर से जो लिंक मोबाइल नंबर आती है उस पर OTP जाती है, OTP डालकर सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है उनका अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाती है या वो डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी जो है अपना ऑटो पे डेबिट सेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका इसलिए ऐड करा जाता है ताकि जो आपका EMI होता है वो इसी अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाए और जो आपका लोन का पैसा होता है वो इसी अकाउंट में जो है भेजा जा सके। तो यहाँ पे जो है आप सबको अपना एक अकाउंट ऐड कर लेना है। अकाउंट ऐड करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद जो है आप सबको यहाँ पे अपना कंप्लीट KYC करना होगा। कंप्लीट KYC में जो है आप सबको यहाँ पे अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि यहाँ पे लोन एप्लीकेशन आपका दिखाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन लेटर दिखाएगा, की फैक्ट स्टेटमेंट दिखाएगा, लोन एग्रीमेंट आपका कराया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक लंबा चौड़ा लेटर मिल जाएगा, उसको जो है आपको रीड करना है, उसके बाद जो है एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे जो है आप सबको यहाँ पे ई साइनिंग का बटन मिलता है, इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको जो है 70,000 रुपया का लोन लिमिट मिला था, जिसमें से हम 50,000 रुपया जो है हम अपने अकाउंट में भेजे हैं, जो कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स EMI सारे चीज दिखा रहा है। यहाँ पे जो है आप अपना EMI प्लान 12 मंथ से लेकर 3 मंथ तक के बीच का जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका ट्रांजेक्शन डिटेल्स होता है वो सारी चीज यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे पैसा जो है हमारे अकाउंट में चला गया, जो कि यहाँ पे अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट शो हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप जाइव इंस्टेंट पर्सनल लोन में जो है लोन अप्लाई कर काफी इजी
तरीका से जो है पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आप सबको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया है, फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।